जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की तरफ से आने वाली RPF यानी कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी को बता दें रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, जहाँ पर आप सभी को बता दें इस भर्ती के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप भी RPF के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या दी जाएगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं RPF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में, जहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डिपार्टमेंट से कांस्टेबल एवं SI के पदों पर 2023 की नई भर्तियां होने जा रही हैं, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, RPF की भर्तियों को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर में RPF की नई भर्तियों के बारे में बताइए कि आखिर RPF की नई भर्तियां कब तक में होने जा रही हैं, कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है, साथ में इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, साथ में सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या दी जाती है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी RPF की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, योग्यता करेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि मैं आपके राज्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में एज लिमिट से संबंधित सारी जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती के लिए पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कांस्टेबल एवं सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्तियां होने जा रही हैं, जिनके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहां पर जनरल OBC के लिए ₹500, वहीं SC ST के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहां पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वहीं एज में छूट की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल जहां पर आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपका सिलेक्शन CVT एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर से आपका एग्जाम करवाया जाएगा, साथ में फिजिकल टेस्ट, साथ में मेडिकल एग्जाम एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करें जहाँ पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट या साइड डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके
पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ की। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके फिजिकल टेस्ट डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी जाएगी 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए जहाँ पर हाइट मांगी जाएगी 157 सेंटीमीटर। वहीं बात करें ऑल इंडिया नॉर्थ जोन के कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मेल के लिए हाइट मांगी जाएगी 162 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए हाइट मांगी जाएगी 150 सेंटीमीटर। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए रनिंग के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। साथ में आपको हाई जंप देना होगा 4 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप देना होगा 12 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला कैंडिडेट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी है। साथ में यहाँ पर आपको हाई जंप देना है 3 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप देना होगा 9 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर अभी इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे इस भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा, इस भर्ती से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।